हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बनाने वाले हैं नैनोलिफ्ट एलईडी लाइट को। हाँ जी, आपने सही देखा, यही है नैनोलिफ्ट एलईडी लाइट, और इसको आप ट्राइंगल एलईडी लाइट भी बोल सकते हो। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाया जा सकता है, और इसको इस रिमोट से कलर चेंजेस किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मोड भी दिए हुए हैं, देख सकते हो। और इसको बनाने में क्या कॉस्टिंग आता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मार्केट में आता है उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये का ये पूरा सेट आता है, लेकिन हम उसको बहुत ही कम प्राइस में घर पे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अरे भैया, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, हाँ, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड को ट्रायंगल शेप में काट दिया है, और उसकी साइज 40 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों साइड पे सेमी साइज होगी, और इधर से भी 40 सेंटीमीटर और इधर से भी 40 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसा 15 पीस काटने हैं। उसी तरह हमें कार्डबोर्ड की पट्टी काटनी है, जिसकी साइज होगी 2.5 सेंटीमीटर। ये रही 2.5 सेंटीमीटर, ऐसी हमें 15 पीस चाहिए। अब हमें इस पट्टी को इस ट्रायंगल पर चिपकाना है, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और इसी मार्क पे हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जिससे हमारी पट्टी आसानी से मुड़ जाए, देख सकते हो। और इधर भी मार्क कर देना है, और यहां से भी प्रेस कर देना है। और फ्रेंड्स, आप कार्डबोर्ड किसी भी प्रकार का ले सकते हो, और यहां से हम यहां पे मार्क कर देते हैं, और फिर उसको काट देना है। फिर हमें यहां से इसको चिपका देते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का यूज किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे एक पीस तैयार हो चुका है, तो हमें ऐसे 15 पीस चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फ्लोई ली हुई है, और उसको ट्रायंगल शेप में काट दिया है, और फिर इसको मैंने यहाँ पे इस पीस पे चिपका दिया है फेविकोल की मदद से। तो यहां पे मैंने सभी पीस पर एल्यूमिनियम फ्लोइल चिपका दी है। अब मैंने यहां पे डिस्पोजेबल डिश ली हुई है, हमें ऐसी 15 डिश चाहिए। अब हमें इस ट्रायंगल पीस की साइज में इस डिश को काटना है, तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया है, ऐसी सभी सीट पे काट देना है, 15 सीटों पे। अब हम इस सभी पीस को चिपका देते हैं, और फ्रेंड्स आप चाहो तो अपनी डिजाइन में भी बना सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसी डिजाइन में ट्रायंगल को चिपकाया हुआ है,
अब यहाँ पे मेरे पास RGB LED स्ट्रिप है जिसमें पूरा सेट ही आता है और यहाँ से ये फिट हो जाता है। ये आपको मार्केट में 300 रुपये में मिल जाती है और यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट देना होता है। और ये रहा 12 वोल्ट का एडेप्टर। तो मैंने LED लाइट यहाँ पे ऐसे पीस पे चिपका दी है हमारे सभी ट्रायंगल पे। अब हमें जो हमने पहले डिस्पोजेबल डिस्क की कटिंग की हुई थी ट्रायंगल में उसको इस पे चिपकाना है। तो उसके लिए हम फेविकोल की मदद से इसको चिपका देते हैं। अब इसको चिपका देना है। ऐसे हमें सभी पीस पे चिपकाना है। हम दूसरा पीस भी चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स ये जो डिस्पोजेबल डिश आती है वो आपको मार्केट में 25 रुपये में 20 पीस मिल जाते हैं। यहाँ पे सभी पीस पे चिपका दिया है और फ्रेंड्स आपको अच्छे से चिपकाना है क्योंकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2-way टेप ली हुई है जिसको हमें हमारे पीस के पीछे की साइड पे चिपकानी है। देख सकते हो आप मैंने यहाँ पे चिपका दी है जिसकी मदद से ये वॉल पे आसानी से चिपक जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से मैंने पावर सप्लाई दी हुई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह बनती है हमारी नैनो लिफ्ट LED लाइट। तो आप लाइटिंग के मजे लो। मैं आपको मिलता हूँ अगले ही न्यू वीडियो में। If I wrote you a letter, would I have a chance?